हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक डोरमेट बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा है और उसको बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन का आप पूजा आसन भी बना सकती हैं, थालपोश भी बना सकती हैं और पायदान भी बना सकती हैं। चाहे तो आप लोचे से बनाइए, ऊन से बनाइए या तो साड़ी से पुरानी बना सकती हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ 18 फंदे हैं, तो आपको यहाँ पे डालने होंगे। ऊन से अगर बनाइएगा, जैसे कोई ऊन मोटा होता है पतला होता है तो ऊन से बनाइएगा तो 40 फंदे डाल लीजिएगा। अगर लोचे से और साड़ी से बना रही हैं तो आपको डालने होंगे 35-36 फंदे यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो देखिए ऐसे फंदे डालने के बाद क्या करना है, रॉन्ग साइड से डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा ऐसे बुनेंगे, यहाँ पे मतलब बॉर्डर बनाना है। फंदे के हिसाब से आप बॉर्डर बनाइएगा, मतलब 10 फंदे का भी बना सकती हैं, जैसे चौड़ा और पतला रखना होगा उस हिसाब से। फिर देखिए एक फंदा इस कलर से बुनेंगे, ठीक है, फिर एक फंदा इस कलर से, दो, फिर एक फंदा ब्लू से, एक फंदा येल्लो से, ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे 7 पे 8 फंदे, 8 फंदे हो गए। देखिए 8 फंदों का बॉर्डर बना लिए। अब ये वाला ऊन यहीं पे रहेगा और जिसका पूरा बनाना है उसको पूरी ऐसे बुनेंगे। यहाँ पे 2 फंदे छोड़ने हैं, तो यहाँ तक बुनते हुए आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे ऐसे छोड़ देना है और वापस से आ जाना है इधर। फिर यहाँ पे ऐसे बुनेंगे पूरी सिलाई, मतलब बुन लेंगे, उल्टा उल्टा ही बुना जाएगा। तो देखिए यहाँ तक बुनते हुए आ गए, फिर ये वाला बॉर्डर वाला फंदा आ गया। फिर उसके बाद जिस कलर का फंदा है उस कलर के ऊन से बुनते जाना है। जिस कलर का फंदा है उसी कलर के, ओ सॉरी, ऊन पीछे करके बुनना है क्योंकि एक तरफ से ये सीधा तरफ है। तो देखिए ऊन को पीछे करेंगे, ऊन को पीछे करेंगे ऐसे, इसको बुनेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, फिर येल्लो वाला लाएंगे, फिर इससे बुनेंगे। जब सीधा साइड आएंगे ना तो इस तरह से बुनना है ऐसे। फिर देखिए फिर इस कलर का फंदा है, फिर ऐसे बुनेंगे, जिस कलर का फंदा है उसी कलर के ऊन से बुनना है। फिर येल्लो वाला फंदा ऐसे आगे लाके येल्लो वाला बुनेंगे। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिजाइन लगेगा कि इस तरह से। और फिर इसको देखिए अब क्या करना है, दो दो सिलाई में कलर, मतलब ये वाला जो डिजाइन है ना ये बॉर्डर, तो दो सिलाई में मतलब इधर उधर करेंगे, ये वाला कलर इस पर लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब येल्लो वाले पे लगेगा यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। अब ब्लू वाले पर बुनेंगे, रॉन्ग साइड से ऐसे कलर चेंज करना है, राइट साइड से नहीं, एक ही तरफ से ऐसे कलर चेंज करेंगे तो बहुत सुंदर ये बॉर्डर बन के आता है ऐसे। ऐसे देखिए, अब फिर इधर बुन लेंगे और बुनते हुए आएंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देंगे। देखिए फिर यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर वापस से टर्न हो जाएंगे ऐसे, और फिर जिस कलर का फंदा है उसी कलर के ऊन से मतलब बुनना है। इधर इधर तो ब्लू ही है पूरा ऐसे, फिर ऊन पीछे करेंगे, येल्लो वाला ऊन आगे लाएंगे, ओ सॉरी अभी ब्लू ही है ऐसे। येल्लो वाला ऊन आगे लाके येल्लो वाले फंदे को येल्लो से बुनेंगे, इसको इस कलर से बुनेंगे। जब राइट साइड आएंगे तो ऊन पीछे करके ही बुनना है
ऐसे ऐसे बुन लेना है। और फिर रॉन्ग साइड आ जाइए, फिर देखिए फिर ऐसे कलर चेंज करेंगे, दो दो सिलाई में फिर इधर उधर फंदा करके बुने, मतलब जो ब्लू है उसको येल्लो से बुनेंगे, जो येल्लो है उसको ब्लू से बुनेंगे, जब यहाँ पे किनारे पे बॉर्डर बनाएंगे तो बूटी की तरह बहुत ही प्यारा लगेगा ये, ऐसे इस तरह से। और फिर देखिए इधर ऐसे बुनते हुए आना है, फिर दो फंदे छोड़ देने हैं ऐसे बुनते हुए। फिर देखिए दो चार छः, छः फंदे हो गए ना, फिर यहीं से वापस से टर्न हो जाएंगे और फिर इसको बुनेंगे। जिस कलर का फंदा है उसी कलर के ऊन से राइट साइड से बुनना है, रॉन्ग साइड से ही मतलब कलर चेंज करना है ऐसे। फिर आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, फिर देखिए येलो वाला फंदा है ना, तो ब्लू से बुनेंगे, जब पाउडर ऐसे बुनेंगे तो ऐसे बुनते हुए जाना है और यहाँ किनारे पर दो दो फंदे छोड़ते हुए पूरा ऐसे ख़त्म कर देना है। तो अभी छः हुआ, फिर आठ हुआ, फिर दस होगा, मतलब जितने आप फंदे डाले रहेंगे उतना ऐसे दो दो करते छोड़ना है, बॉर्डर को नहीं, बॉर्डर ये ऐसे ही चलेगा सिर्फ यहाँ तक ही, बॉर्डर में नहीं कि घटाना बढ़ाना है, फंदे छोड़ना है उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो आठ के आठ फंदे वैसे ही रहेंगे। फिर यहाँ से टर्न हो जाना है ऐसे, दो फंदे फिर छोड़ देने हैं, तो ऐसे जितना फंदा है उतना दो दो करते छोड़ते जाइए। और फिर अभी मैं बताती हूँ उसको क्या करना है, तो इसको बुनेंगे और फिर दो फंदे छोड़ देंगे। तो देखिए पूरा दो दो फंदे करते हुए यहाँ पे जितने फंदे हैं ऐसे छोड़ देना है, अब बॉर्डर तो ऐसे ही चलेगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, बॉर्डर जिस कलर का फंदा है उसी कलर के ऊन से बुन लेना है ऐसे। तो देखिए पूरा मैं फंदे छोड़ चुकी हूँ दो दो करके, सिर्फ ये बॉर्डर वाला नहीं छोड़ना है, इसको जितना फंदा है उतना फंदे का ऐसे बॉर्डर बनाते जाइए। तो देखिए एक कली इस तरह से बन के तैयार हो गई, तो अभी फिर मैं दूसरा कली बना के आपको दिखाती हूँ फिर कैसे बनेगा दूसरी कली। और देखिए आप चाहें तो इसमें जितनी भी कलर ऐड कर सकती हैं, ये दो ही कलर का मतलब बनाइए, इसमें आप चाहें तो जितने कलर लगा सकती हैं, तो दो कलर का मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो फिर बॉर्डर आ गया, तो बॉर्डर को दो दो सिलाई में चेंज करना है कलर, तो ब्लू पर येल्लो, येल्लो पर ब्लू, ऐसे बुनते हुए बॉर्डर पहले ऐसे बुन लेंगे, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। अब देखिए यहाँ तक बुनते हुए आ गए, चाहे तो आप एक ही कलर का बनाइए या तो मतलब फिर दो कलर चार कलर दस कलर जितने भी कलर इसमें ऐड कर सकती हैं। तो देखिए फिर मैं एक कली येल्लो कलर से बनाऊंगी, तो पूरी सिलाई जब दूसरा कलर हम शुरू करेंगे तो पूरी सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पहले रॉन्ग साइड से बुनेंगे, जब कलर चेंज करना रहेगा तो रॉन्ग साइड से ऐसे पूरी सिलाई बना लेना है, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए राइट साइड से भी पूरी सिलाई ऐसे बना लेना है। देखिए बॉर्डर तो ऐसे ही बनाना है जैसे बन रहा है वैसे। अब देखिए इधर येल्लो कलर की, फिर इसी तरह से कली येल्लो कलर की बनेगी, दो 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 फंदे ऐसे छोड़ते जाना है, फिर येल्लो से बनाइए, ब्लू से बनाइए, येल्लो से बनाइए, चाहे जितने कलर लगाइए। तो इसी तरह से सारी कलियां बना लेनी है और एकदम सर्कल में जब बन जाएगा गोला के आकार में, तो यहाँ पर इसकी सिलाई कर देनी है।